फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडा स्टोर के अपकमिंग प्रोमो के बारे में, अपकमिंग स्टोरी के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, मतलब पांडा स्टोर का जो प्रोमो है उसकी तरफ और अपकमिंग स्टोरी की तरफ। जैसा कि आप लोगों को आज आपने देखा कि मतलब जब सुमन है वो मतलब बाबा सोमनाथ को धन्यवाद देती है और उन्हें कहती हुई नजर आ रही है कि मेरे बेटों ने जो मन्नत मांगी है उसे पूरी करना। बट अनीता जो है उसके दिमाग में फिर से नया प्लान चल रहा है। वो बिल्कुल भी धरा और गौमी को एक साथ नहीं देखना चाहती है। और वो उसने अभी बोलते हुए उसमें नजर आती है कि वो मतलब उनके बेटों की मन्नत को पूरी नहीं होने देगी। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने जैसा कि बोला था जब वो बाहर जा रहा था कि मैं देखता हूं कि कल हम लोगों को पूजा के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब जो भी सामान, तो उन लोगों ने शायद मन्नत मांगी है धरा और गौमी के बच्चे के लिए। और उसके लिए शायद उन्हें वो मटकियां वहां पे रखी हुई थी जिनमें पानी भर के ले जाना होगा जल चढ़ाने के लिए भगवान को, इस टाइप का कुछ सीक्वेंस होगा आई थिंक। तो इसलिए अनीता जो है वो उस मटकी में ही छेद करती हुई हमको नजर आ रही थी जिसमें वो कोशिश कर रही थी। बट वो जब ऐसा कोशिश करती रहती है तभी वो मटकी ऐसे टूट जाती है, जो कि आप लोगों ने भी देखा और नोटिस किया होगा। सो वो जो मटकी टूट जाती है और धारा ऊपर से आती हुई दिखती है, तो वो कोशिश करेगी अब उसे जोड़ने की। और ऐसा हो सकता है कि वो मतलब किसी चीज से उसको जोड़े और वो बाद में सोचे कि मतलब वो फूट जाएगा और इन लोगों की मन्नत जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब इन लोगों को उतना जल लेके जाना होगा चढ़ाने के लिए और उसी मन्नत की वजह से, और वो पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब वो जल नहीं चढ़ा पाएंगे, इस टाइप का कुछ ऐसा सीक्वेंस आएगा। और मतलब बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मतलब जरूर होगा जिससे कि अनीता का जो ये प्लान है वो फेल हो जाएगा और फाइनली इन लोग जल चढ़ा पाएंगे। और हो सकता है कि वो कैसे चढ़ाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन जल तो चढ़ेगा और धरा प्रेग्नेंट भी होगी और हमें आगे के ट्रैक में मतलब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इसी होप के साथ। और कल के एपिसोड में इटमें भी पॉसिबल कि शिवी का जो ट्रैक है जो रुक गया है वो मतलब आगे बढ़ता हुआ दिखे। जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने वही बोल रहे थे ऐसा कि बोल रही थी वो ऐसा कि मतलब जब ऐसा होता है कि 2-3 दिन शिवी मूवमेंट्स नहीं दिखाए जाते हैं सो एक ही बार में मतलब मेकर्स हमें भरमार दे देते हैं कि 1-2 एपिसोड ऐसे देते हैं जिसमें काफी ज्यादा शिवी मूवमेंट्स होते हैं और शिवी के फैंस बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। सो हम यही होप करेंगे कि मे बी कल के एपिसोड में हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। और मतलब अच्छा तो देखने को मिल रहा है बट शिवी से रिलेटेड कुछ अच्छा देखने को मिले, उनकी स्टोरी भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आए, या फिर मतलब ये धरा के लिए उन लोग ही कुछ करे। मतलब अगर ऐसा कुछ दिखाया जाएगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि काफी अच्छा और बहुत मतलब अच्छा लगेगा कि शिवी उनके लिए कुछ करते हुए नजर आए। सो इससे उन लोगों का भी जो रिलेशनशिप है शिवा और रावी का वो भी मतलब आगे थोड़ा और अच्छा होता हुआ दिखेगा। मतलब अभी तो फिलहाल शिवा बहुत ज्यादा रूड है बट उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, बस यही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसके लायक नहीं है इस वजह से वो इस टाइप का बिहेव कर रहा है। बट आगे हम लोगों को जब उसको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि वो रावी के साथ गलत कर रहा है, रावी उसके साथ रहना चाहती है, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है और आप इस प्रोमो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ या फिर आप ही लोगों में से किसी के प्यारे से कॉमेंट के साथ। थैंक यू आप सभी को मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतने सारे कॉमेंट्स करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी खूब सारे ढेर सारे अपडेट्स जो भी मुझे मिलेंगे। और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।